दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत की माता गांधारी जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी वो एक विधवा थी? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इसका सच क्या है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता गांधारी एक रूपवान, सुंदर और मोहक स्त्री थी। वह इतनी सुंदर थी कि उनके रूप लावण्य की चर्चा पूरे आर्यवर्त में थी, जिसमें हस्तिनापुर भी शामिल था। इनकी सुंदरता इतनी प्रभावी थी आर्यवर्त में कि सिर्फ वो ही हस्तिनापुर की रानी बनेगी, ऐसा पितामह विष्णु ने प्रण लिया हुआ था। लेकिन माता गांधारी रूपवान होने के साथ में उनकी भाग्य में एक दोष था। माना जाता है उस समय के ज्योतिषियों के अनुसार माता गांधारी को पहले विवाह पर संकट आएगा और वो संकट उनके पति की मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए राजसभा जो माता गांधारी के पिता थे, उन्होंने ज्योतिषियों के सुझाव पर उनका पहला विवाह एक बकरे से करवा दिया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई, जिससे माता गांधारी भाग्य के प्रकोप से मुक्त हुई। इसी कारण से माता गांधारी प्रतीक के रूप में विधवा मान ली गई और इस सच्चाई को राजा सुबल ने दबा लिया।